अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और यहाँ मेरे किचन में आज बन रहा था चिकन पुलाव, और मैंने सोचा इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लूँ। और आज साथ में मैंने आपके साथ शेयर करना है, मैंने फ़र्स्ट टाइम शीन वेबसाइट से कुछ ऑर्डर किया था तो वो आ गया है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। काफ़ी रिव्यूज़ देखे थे मैंने उसके, तो मैंने इसलिए ऑर्डर कर ली कुछ चीज़ें, तो मैं फिर आपके साथ अभी वो भी शेयर करने वाली हूं। और यहां आपने देखा होगा कि मैंने प्याज ब्राउन किए हैं, सिनेमम और कड़ी पत्ता डाला हुआ था मैंने उनके साथ। और जब वो अच्छे से ब्राउन हो गए हैं तो हल्का सा पानी डाला है और उसको जैसे कहते हैं ना प्याज का कलर निकाला है, और उसके बाद उसमें डाल दिया चिकन, वो अच्छा सा फ्राई करके मसाले ऐड किए हैं। मसालों में नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा, और शान का जो पैकेट पुलाव बिरयानी मसाला होता है वो 2 चम्मच। और फिर उसको थोड़ा पका के 2 टेबलस्पून मैंने टोमेटो पेस्ट डाला है, और अब इसको थोड़ी देर में पका लूँगी। तो अब इस स्टेज पे जब ये थोड़ा कुक हो जाएगा तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी पहले, और पानी को थोड़ा अच्छा सा उबाल भी लूँगी ताकि थोड़ा जैसे उसके सारे जो टेस्ट है वो पानी में पहले आ जाए, उसके बाद राइस डालूँगी। और मैंने 1.5 गिलास चावल लिए हैं तो उसमें मैं 2.5 गिलास पानी डालूंगी, और उसमें अच्छे से राइस बन जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि मुझे राइस ना तो जुड़े हुए चाहिए होते हैं और ना बिल्कुल, मतलब जैसे आपको बिरयानी के लिए चाहिए होते हैं, तो पुलाव में मुझे दरमियाने टाइप के राइस चाहिए होते हैं कि जुड़े भी ना हों और बहुत खड़े खड़े दूर दूर भी ना हों, जूसी से हों। तो मेरे बच्चों को ये वाले राइस का टेस्ट बहुत पसंद है, तो मैं फिर उसी पे स्टिक हो गई हूँ, क्योंकि बच्चे जो चीज़ खुशी से खा लें उसी से माओं को खुशी मिलती है। तो राइस मेरे इस तरह रेडी हो गए थे और बच्चों ने इंजॉय कर लिए। तो अब मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने शीन से क्या क्या ख़रीदा है। तो क्लोथ्स में मैंने सिर्फ 3 चीज़ें ख़रीदी हैं, और बाकी कुछ ऐसी एक्स्ट्रा टाइप की चीज़ें ख़रीदी हैं। तो मैं आपको दिखाऊं पहली चीज़, चलें जो मेरे हाथ में आ गई है वो आप देखेंगे, ये ट्रांसपेरेंट सी एक टेप है जो कि अच्छी रहती है आप पासिंग के आसपास अगर लगा दें तो। उसके बाद ये बॉक्सेस थे, तो स्पाइस बॉक्सेस के तौर पे उन्होंने बनाए थे, लेकिन इसमें कुछ भी आप डाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और ये इस तरह से वो डिस्पोजेबल लाइक निकाल भी सकते हैं आप। तो ये मैंने लिया एक, ये मैंने ले लिया था, देखा मैंने तो, ये देखें इसको, ओ ये इस तरह बच्चे बस शौक से, मतलब थोड़ी बेकिंग वगैरह मेरे साथ करते हैं तो उनके लिए मैंने ये ले लिया, कि बड़ा विस्क भी नहीं देना पड़ता और फिर हैंड विस्क जो है उससे थोड़ा मुश्किल भी लग रहा होता है। ये एल्युमिनियम की स्टिकर टाइप शीट है, लाइक वॉलपेपर, और हैवी वो हीट प्रूफ है। तो एक ये मैंने मंगा ली थी, और 2 मैंने लाइट्स ख़रीदी हैं। ये जो है बैटरीज वाली है, और ये इसी तरह से तो जैसे स्पॉट लाइट करके नहीं बनाते तो थोड़ा कुछ ना कुछ खेल रहा होता तो उसको वो अच्छा लगता है मेरे बेटे को, तो मैंने उसके लिए भी ये ख़रीद लिए, कहीं भी रख के स्पॉट लाइट बना ले। और एक ये मैंने ख़रीदी है उसके लिए, और ये इस तरह रिमोट वाली है, तो कहीं भी लगाई और उसको आते जाते, अब ये वो डिसाइड करेगा कि उसने ये कहाँ लगानी है।
अच्छा ये वॉल स्टिकर है तो बच्चे के लिहाज से ये थोड़े बड़ा साइज था और इसका भी बड़ा ही साइज था, लेकिन ये छोटे हैं उस लिहाज से। वॉल स्टिकर है, मैंने सोचा था कहीं भी थोड़ा अरेंजमेंट करने के लिए ना अच्छा लगेगा, तो आप कील वगैरह भी नहीं ठोंकेंगे और आपका काम अच्छा हो जाएगा थोड़ी लुक के लिए कहीं भी। लेकिन ये छोटे हैं जो पिक्चर उन्होंने दिखाई है उससे, तो बट स्टिल ये हैं उतने ही नंबर उनका उतना ही है। और ये वाला जो है ये मैंने सोचा था कि ये 3 आएंगे एक पैक में, लेकिन ये 1 आया है, तो और साइज भी छोटा आया। मैं इसकी पिक्चर अपने साथ ऐड करूँगी तो देखिएगा। और ये बड़े नाइस से थे इसी उसमें कि आपको कहीं भी थोड़ी सी लुक प्रिपेयर करने के लिए चेंज लाने के लिए, तो इस तरह 3D स्टिकर्स हैं ये। तो ये खैर वैसे ही हैं जैसे पिक्चर में नजर आ रहा है, ये 3 हैं ये। तो ये लगते वैसे ही हैं जैसे पिक्चर में नजर आ रहे थे, तो एक ये मैंने वैसे ही इनके साथ ही ना मिला के एक वॉल पे कॉर्नर बनाना था मैंने, लेकिन ये कम आए हैं और वो बहुत छोटे आए हैं, तो अब आई थिंक कि मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। एक चीज़ ये है कि ये मैंने ख़रीदी है, लेकिन मैं ये बिल्कुल रिकमेंड तो नहीं करूँगी और दिखा इसलिए रही हूँ कि कोई और अगर देखे और सोचे कि ले लें तो ना ले। अच्छा ये ऐसा है कि इसको यूँ करके और सॉरी यूँ ये यहाँ पे रुक जाएगा और ये यहाँ से ये और यहाँ आप फोन रख लें और इस स्क्रीन से वो बड़ा हो गया आपको नजर आएगा अगर छोटा फोन है तो। तो मैंने ये वैसे ही कहा कि चलो ले लेती हूँ, लेकिन नज़र तो आता है बड़ा भी लगता है, लेकिन व्यू बिल्कुल अच्छा नहीं आता कि वो मतलब मज़ा नहीं आता कि उसको बंदा देखे फिर, तो फिर फायदा ना हुआ इसका, तो ये टोटल वेस्ट है, ये मैंने कहा आपको बता दूँ। चलें ये चीज़ें मैं जान रखती हूँ और अब ये जो क्लोथ्स में मैंने एक दो चीज़ें ली हैं मैं वो आपको दिखा देती हूँ। ठीक खुशीन का ये कि बड़ी क्लोथ्स और ऐसी चीज़ें ना अपने बड़े अच्छे अच्छे बैग्स में सब अलग अलग देती हैं, तो ये जो दो हैं ये सेम चीज़ है, बस दो खरीदी हैं हमने। तो पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। अच्छा इनका मेरा कोई ख़ास इरादा नहीं था लेने का, लेकिन बस देख के मैंने ले लिया। तो ये मटेरियल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे, इट्स नॉट बैड एट ऑल। इस तरह बस इस तरह राउंड नेक के फुल स्लीव है और थोड़ा सा लाइक ड्रेस है, लेकिन स्टिल मैंने इसको ड्रेस के तौर पे तो नहीं लिया, मैंने इसको लिया कि बाज़ों का था हमें बड़ी कोई ज़रा शॉर्ट शर्ट अच्छी लग जाती है कि ले लें, लेकिन आप फिर पहनने में अजीब सी लग जाती है, तो फिर उसके लिए अंडर उसके पहनने के लिए कुछ लंबी इस तरह की वैसे मैं वेस्ट वगैरह ले लेती हूँ, तो ये अच्छी थी कि इसके स्लीव्स भी लॉन्ग हैं और ये खुद भी लॉन्ग है। और अब ये वाली जो है मैं ठीक चीज़ें कैसा है क्योंकि ये मुझे बड़ा डिफरेंट सी लगी थी तो मैं ले ली, तो देखते हैं इसका मटेरियल भी कैसा है और ये कैसा है। पहले मैं आपको इसका ऊपर से दिखाऊं, ये इसकी इस तरह से हुडी है, बस ब्लैक इसकी है
फुल स्लीव के साथ। मटेरियल इसका काफ़ी अच्छा है, वैसे वैसा नहीं है जैसा मुझे डर था लेते वक्त। और ये बस आगे इसकी पॉकेट्स हैं। और ये ऐसी मतलब ये हुडी ड्रेस है, फुल लॉन्ग समझे मैक्सी है फुल इस तरह। तो एक ये, तो इसकी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या देखा था, तो देख के मैंने ले लिया। बट पिक्चर से ये ऐसा नहीं है कि ये वैसा नहीं निकला, पिक्चर के साथ ये पूरी ईमानदारी कर रहा है, बहुत अच्छा है, मटेरियल वाइज भी अच्छा है और प्राइस के लिहाज से तो फिर काफ़ी वर्थ करता है। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने ट्राई की थी तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं। तो इंशाल्लाह आप फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग से आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।